नमस्कार, आप देख रहे हैं बजिंग न्यूज़। सबसे बड़ी खबर तो आज टीसीएस इंफोसिस के नतीजे ही है। टीसीएस के नतीजे कल ओवरनाइट आए, उसके बाद स्टॉक पे एक डेंट पड़ा, लेकिन अब निचले स्तरों से रिकवर कर चुका है। 8600 के पार इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी निकला था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव है। आज खरीदारी जरूर कहूंगा मार्केट में विजिबल है, और वो भी खास तौर से छोटे मझौले स्टॉक्स में, क्योंकि आप इंडेक्स वाइज देखिए जो सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख रहे हैं। 0.5% से 0.1% का इजाफा यहां पर देखने को मिला। इंडेक्स के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज इतनी तेजी नहीं शो कर रहे हैं जो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच आज ट्रेडर्स ने रखी है, लेकिन टीसीएस निचले स्तरों से रिकवर कर चुका है। इंफोसिस पे अभी उतनी स्ट्रांग रिकवरी विजिबल नहीं है। न्यूज फ्लो कहां पर स्ट्रांग है, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरें बहुत स्ट्रांग देखने को मिली थी, वो देखते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है आंचल। आंचल, बताएं आज कहां पर न्यूज फ्लो स्ट्रांग था जिसका असर देखने को मिला। शुक्रिया, शुरुआत करेंगे स्टील स्ट्रिप व्हील से। देखिए, इस पे खबर आई, वोल्सवैगन अर्जेंटीना ने इनको जो ऑर्डर दिया था उसको एक्सटेंड किया है। बेसिकली पहले वीडब्ल्यू अर्जेंटीना ने 7000 स्टील व्हील्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे अब एक्सटेंड करके 34000 स्टील व्हील्स का ऑर्डर कर दिया है। तो उसके बाद से इस शेयर में अच्छी तेजी दिख रही थी। साथ ही एचसीसी की जेवी है वीसीसीएल के साथ, जिसको एक ऑर्डर मिला है 360 करोड़ उसका ये ऑर्डर मिला है। इस खबर के आने के बाद से एचसीसी के शेयर में एक जोरदार खरीदारी देखी जा रही है। डीएलएफ का शेयर भी आज तेज है, और कारण भी है, देखिए कंपनी की काफ़ी समय से योजना थी अपने रेंटल आर्म को बेचने की, उसके लिए इसने दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है, ब्लैकस्टोन और जीआईसी दोनों को शॉर्टलिस्ट किया है। और जो अभी प्राइमरी वैल्यूएशन की गई है रेंटल आर्म की, वो करीब 150 करोड़ डॉलर यानी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपये। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज डीएलएफ के शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी नज़र रखिएगा, एक अच्छी स्ट्रांग बाइंग यहाँ पर उभरती हुई दिखी, और कारण था ब्रुकफील्ड के साथ कंपनी ने करार किया है। काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, फाइनली अग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखा। अपने टावर कारोबार को बेचने के लिए ब्रुकफील्ड के साथ करार किया है कंपनी ने, और कुल 11,000 करोड़ में रिलायंस कम्युनिकेशन अपना टावर कारोबार बेचेगी, और इस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को पे ऑफ करने के लिए करेगी। एक नेगेटिव इंपैक्ट है रहा है वो एचयूएल के ऊपर। देखिए, कंपनी की पेरेंट कंपनी जो है यूनिलीवर, उसने बयान दिए, उसने बेसिकली वार्निंग जारी की है भारतीय कारोबार को लेकर। उनका मानना है जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट एस्केलेट हुए हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम बढ़ाने पड़े थे कंपनी को इंडिया में, और वही कारण है कि इस बारी Q2 में जो सेल्स है वो डेंट होती हुई आएगी, और इसके बाद से ही आज HUL का शेयर अभी 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो OMC शेयर आज चल रहे हैं, IOC, BPCL, HPCL तीनों ही शेयरों में शानदार खरीदारी है। वहीं दूसरी ओर तेल गैस शेयरों में तेजी है। सोमत्सो आज बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑयल एंड गैस स्पेस से मिल रहा है। पेट्रोनेट, गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC, ऑयल इंडिया, सभी में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। टायर शेयर काफ़ी समय से बजिंग थे, काफ़ी टाइम से इसमें खरीदारी थी, आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। JK टायर, CEAT, अपोलो, MRF सभी पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड है। और लास्टली IT शेयर, एक तरफ TCS के कल नंबर आए और आज इंफोसिस के नंबर आए। इंफोसिस ने गाइडेंस कट की, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं IT इंडेक्स पे भी आता हुआ दिखा। IT शेयरों में बिकवाली देखी जा रही है, साइंट, इन्फाइनाइट कंप्यूटर्स, ऑल सिक्योर, ऑलसेक, मजेस्को, जेंसाटेक जैसे छोटे मंझोले IT शेयरों में भारी बिकवाली देखी जा रही है। ये तो ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर बिकवाली है, लेकिन अब दो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो है L&T, जिसमें अभी खबर ये थी कि रेलवे से 3,799 करोड़ का ऑर्डर मिला, और वो देखिए आप निफ्टी पे कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक अच्छी खरीदारी L&T पे आज पूरा ही दिन बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 2.5% के आसपास का मूव जो है वो L&T दे चुका है, एक अच्छी खरीदारी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पे आप 1468 के लेवल पे। एक और स्टॉक देखिए, फोर्स मोटर्स, ये स्टॉक लगातार चलता चला जा रहा है, और अब 8% की स्ट्रॉन्ग बढ़त इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई, 4500 का लेवल, इनफैक्ट 5% की बढ़त के साथ काम कर रहा है, यानी कि 4350 के लेवल पे इस समय दिन के उच्चतम स्तर पे फोर्स जो है वो कामकाज कर रहा है। लेकिन फोकस में आज IT सेक्टर है, क्योंकि बाजार की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, TCS, इन्फोसिस, उनका असर इस समय देखने को मिला। इन्फोसिस के नतीजे बात करते हैं, सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं क्या ये नतीजे अनुमान से बेहतर माने, या फिर जो गाइडेंस घटा दी कंपनी में उसके चलते निराशा देखने को मिल सकती है। शुक्रिया रजत। देखिए, पहले तीन आंकड़े जो कंपनी तरफ से आए थे वो काफी सकारात्मक थे। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है, करीब 3610 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा आया, जो कि 3508 करोड़ रुपए अनुमान से ज्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा। आय के फिगर में भी 17,310 करोड़ रुपए कंपनी ने आय पोस्ट की, 17,180 करोड़ रुपए आय का अनुमान था, उससे बेहतर आंकड़ा आय फ्रंट पर भी आया। एबिट भी करीब 4,309 करोड़ रुपए एबिट का आंकड़ा है, जबकि 4,200 करोड़ रुपए का एबिट का एक अनुमान लगाया जाता बाजार में, और मार्जिन 24.9% आए हैं, जो कि 24.3% या 24.1% लोअर एंड पे एक अनुमान लगाया जाता है। तो ये चार आंकड़े जो आए, ये चारों अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले। तो इन्फोसिस का पहला हाफ जो था वो काफी बेहतर था, लेकिन जो डैम्पनर था कंपनी के लिए वो था जो कंपनी ने अपनी करेंसी गाइडेंस घटाई, क्रॉस करेंसी भी, कॉन्स्टेंट करेंसी भी,
और उसके अलावा कॉन्स्टेंट करेंसी डॉलर रेवेन्यू और साथ साथ रुपी रेवेन्यू तीनों गाइडेंस को घटाया गया है। क्रॉस कॉन्स्टेंट करेंसी गाइडेंस जो है वो करीब करीब 8.98 से 9% के आसपास कर दी गई है। डॉलर आय गाइडेंस करीब 7.5 से 8.5% कर दी गई है जो कि करीब 10.5% अपर एंड पे होती थी। और उसके अलावा रुपए आय गाइडेंस जो है वो करीब 10.9 से 11.9 कर दी जो कि करीब 12.5% के आसपास अपर एंड पे होती थी। तो गाइडेंस का घटाना कंपनी के लिए एक बड़ा सेटबैक हुआ। हालांकि क्लाइंट एडिशन ठीक ठाक है, जो कंपनी की ओवरऑल फिगर है वो काफ़ी साउंड है, लेकिन गाइडेंस क्योंकि डाउनवर्ड साइड पे रिवाइज किया गया है ये एक बड़ा चैलेंज है। कंपनी ने या फिर मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि विजन 2020 को लेकर वो अभी भी बुलिश है और वही जो स्टांस उन्होंने रखा हुआ है वो स्टांस पे अभी भी जारी रहने वाले हैं और एक अच्छी ग्रोथ वो सेकेंड हाफ के अंदर एटलीस्ट मान रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर कई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, उनका भी मानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा सा वीक जरूर है, इस वजह से शायद गाइडेंस घटाई गई है, लेकिन कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंटैक्ट है और अभी भी जो रेटिंग वो रखते थे वो रेटिंग के साथ वो मेंटेन है और इंटैक्ट रेटिंग अभी भी वो बाय की या फिर होल्ड की कंपनी साथ रख रहे हैं। चलिए, लेकिन क्वार्टर टू नतीजों पर कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का ने संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर क्षेत्रों से कंपनी का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है। I'm happy with the performance that our team delivered in this past Q2. While there are quarterly ups and downs based on a variety of factors, what matters really in our industry is the structural change that is going on in our industry, and I have talked about this for the last 2 years, and the signs of this change are very visible, very abundantly clear as we look around. And I believe that our strategy is quite distinctly different. I think that you can start to see the strategy differences play out in the results that we are achieving. The key part of the evolution of our industry is going to be to evolve from a people-only model towards people plus software, where people are amplified by software and by automation, and that improved productivity and automation